गाइस, मैं हूँ मुकेश राजपूत और आपका फिर से स्वागत है ऑलराउंडर नॉलेज ऑफ ऑल साइबर वर्ल्ड। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में डाला था कि आप अपनी रिलायंस जियो की स्पीड से रिलायंस जियो सिम से कैसे स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसमें मैं अब आपको बताऊंगा कि आप गेट जियो सिम ऑप्शन रिलायंस 2000 सैमसंग 2016 में कैसे लेके आते हैं। क्योंकि प्ले स्टोर खुला, इसमें माय जियो ऐप देखा, इसमें मैंने अभी अभी जस्ट इंस्टॉल किया है तो इसको मैंने ओपन किया। इसमें लिखा रहा इंस्टॉल जियो एस। ये पहले जो मोबाइल थे उनमें हमको इंस्टॉल जियो एप्स करना पड़ता था क्योंकि उस टाइम इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी सिम की। अब तो सभी हैंडसेट्स के लिए अवेलेबल हो गया तो उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं इनको ऑल ऐप्स डाउनलोड करने की। सीधे आप गेट जियो सिम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये मैंने अभी जस्ट ये अभी अपना कोड जनरेट कर दिया है और उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया गलती से। तो आप यही कर सकते हैं, गेट जियो सिम आपका ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप ओके करेंगे, एग्री करेंगे और जनरेट कोड करेंगे। उसमें आपका रीजन मांगेगा, आप अपना रीजन बता देंगे, आप जिस जगह पे भी रहते हैं और अपना सिटी बस, और ये आपका ये कोड इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये इस तरह से, और इसका आप इस बार कोड को आप निकलवा लेंगे प्रिंट आउट से, और आप किसी भी अपने नियरेस्ट डिजिटल एक्सप्रेस मिनी पर जा सकते हैं और वहाँ से आप अपनी सिम बाय कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको इसके बाद बताऊँगा कि आप अपनी जियो सिम कैसे मोबाइल में डाल के एक्टिवेट करेंगे और अपना अनलिमिटेड इंटरनेट किस तरह से एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि शुरुआती में हमको 2GB इंटरनेट और 100 SMS एंड 100 कॉलिंग मिनट्स मिलती हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि आप सब कुछ ये कैसे करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।